जी के नेतृत्व में अपनी सरकार पर गर्व है और हम जन कल्याण की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बिगुल फूकने वाले अमर शहीद पंडित मंगल पांडे की जयंती पर कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा कि मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, जिसके बाद देश में स्वाधीनता के लिए अलग जुगी थी। आगाज करने वाले अमर शहीद पंडित मंगल पांडे जी की आज जन्मतिथि है। वो ऐसे अमर शहीद रहे हैं जिन्होंने निर्भीकता से अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाई और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ माहौल बनाया ताकि भारत परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो सके। बिजली कर्मचारियों अभियंताओं की राष्ट्रीय समन्वय समिति आह्वान पर देश भर के 15 लाख बिजली कर्मचारी इंजीनियर ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में भोपाल के गोविंदपुरा बिजली प्रांगण में ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेंद्र दुबे मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बिजली कानून में व्यापक बदलाव वाले इस बिल को जल्दबाजी में पारित नहीं करना चाहिए और इस बिल को संसद की बिजली स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट कंपनियां जब मुनाफे वाले क्षेत्र में आएंगी तो विद्युत वितरण कंपनियां डिस्कॉम जो पहले से ही घाटे में चल रही हैं उनकी वित्तीय हालत और खराब हो जाएगी, वो दिवालियेपन के कगार पर पहुंच जाएंगी। तो अपने नुकसान की भरपाई के लिए मजबूरन बिजली की तरह बढ़ेंगी, उनको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बिजली खरीदने के लिए ही सरकारी कंपनी के पास पैसा नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा नुकसान इससे जो होना है वह आम उपभोक्ताओं को और किसानों को होना है। दूसरी बात वह यह कह रहे हैं सब्सिडी समाप्त कर देंगे, तो सब्सिडी समाप्त होने का मतलब यह है कि कम से कम 10 रुपए प्रति यूनिट की बिजली किसानों को मिलेगी। सरकार का यह कहना है केंद्र सरकार का कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करेंगे DBT जैसे गैस का करते हैं, तो गैस तो एक सिलेंडर आदमी लेता महीने भर में 700-800 रुपए का, यहाँ किसान 10,000 रुपए का भुगतान पहले करेगा, फिर DBT होगी, पता नहीं किसका खाता होगा नहीं होगा, कैसे जाएगा नहीं जाएगा, दुनिया भर के कानूनी अड़चने आएंगी, अंततः परेशानी केवल कमजोर वर्ग को होनी है, किसानों को होनी है, गरीब उपभोक्ताओं को होनी है और डोमेस्टिक कंज्यूमर को होनी है। राजगढ़ जिले के लखोनी गांव में महिला पर 11,000 हाई वोल्टेज की लाइन गिर गई। आपको बता दें हादसे में महिला 60% तक झुलस गई है। पीड़ित के पति राजू मालवी की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो पत्नी का इलाज नहीं करा पा रहा है। वहीं घटना की जानकारी लगने के बाद भी विद्युत विभाग के अधिकारी महिला पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। रतलाम की कलेक्ट्रेट परिषद में हिंदू संगठन कार्यकर्ता और अधिकारियों के बीच जमकर बहस हुई। बहस के बाद कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिषद में ही धरने पर बैठ गए। हालांकि तहसीलदार की समझाइश के बाद कार्यकर्ता ज्ञापन देकर शांत हो गए। हिंदू संगठन कार्यकर्ता लव जिहाद मामले में नोटरी करने वाले लेकिन वकील के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे थे। धर्मांतरण कानून नया बन चुका है, उसके बावजूद भी इस तरह का नोटरी महोदय द्वारा जिस तरह का लेख संपादित कर रहे उसको नोटरी किया गया, उसके बाद में हम नोटरी की मान्यता रद्द करने के लिए आ जाए। किस बात को लेकर यहाँ पे विवाद हमारा हम ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा कहा गया था कि आप अंदर आके ही ज्ञापन दें, इसलिए विवाद की स्थिति बनी। मध्य प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के बैनर तले 17 संगठनों के अधिकारी सहित कर्मचारी ने 2 दिनों का सामूहिक अवकाश लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश मुख्यमंत्री के नाम जिला पंचायत CEO मीनाक्षी सिंह को ज्ञापन सौंपा और सभी मांगों का जितनी भी मांगे हैं उनका निराकरण करने की मांग की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के विभिन्न संगठन अपनी अपनी मांगों को लेकर
विगत कई वर्षों से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन शासन का कोई ध्यान इसके ऊपर नहीं जा रहा था। और मजबूरन में भोपाल में एक मीटिंग होकर 17 संगठन जो हमारे ग्रामीण विकास विभाग के थे उनके द्वारा एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया और उसके बाद आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। उसमें विभिन्न प्रकार की मांगें जो विभिन्न वर्गों की थी, जिसमें मुख्य रूप से पंचायत सचिवों को 7वां वेतनमान दिए जाने की मांग थी, ग्राम रोजगार सहायकों को नियमितीकरण करने की मांग थी, संविदा कर्मचारी जितने भी ग्रामीण विकास विभाग के हैं उनको नियमित करने की मांग थी, और जो दो महत्वपूर्ण मांगे थी उसमें उसके साथ साथ वो थी कि 181 की जो शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पर होती है उनके लिए उच्च अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव नीचे के अधिकारियों को बनाया जाता है और उनका वेतन रोकने की कार्रवाई की जाती है या उनको निलंबित करने के नोटिस दिए जाते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जैसा कि आपको विदित है कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार हितग्राहियों के खाते में सीधा पैसा डालती है और उन्हीं का काम होता है कि वो अपने आवास को पूर्ण करें, लेकिन उसके बाद भी ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी पीसीओ हो चाहे जीआरएस हो चाहे पंचायत सचिव हो चाहे एडीओ हो या उपयंत्री हो या सीओ हो उनके ऊपर दबाव डाला जाता है कि आवास को निश्चित 45 दिन की अवधि में पूरा करवाया जाए और अगर नहीं करवाएते तो उसके ऊपर निलंबन की या अनावश्यक दबाव की कार्रवाई की जाती है। विदिशा के ग्राम गुरारिया हवेली में एक अनोखा दृश्य देखने को मिला, जहां बारिश की कामना को लेकर पुरानी परंपराओं के अनुसार मेंढक और मेंढकी की हिंदू रीति रिवाज से शादी कराई गई। वहीं पूरे गांव वाले शादी के बराती बने और शिवजी के मंदिर में मेंढका का कन्यादान लिया गया, साथ फेरे भी लगवाए गए। आपको बता दें कि पूरी प्रक्रिया के कुछ देर बाद ही गाँव में तेज बारिश का नजारा भी देखने को मिला। किसान दीवान सिंह किरार का कहना है कि बारिश न होने के कारण फसलें चौपट होने की कगार पर है, इसलिए इस टोटके को किया गया। सबसे पहले तो मैं महाकाल के चरणों में प्रणाम करते हुए आप लोगों को यह जानकारी दे रहा हूँ। यह परंपरा हमने कई वर्षों से सुनी थी कि पहले ऐसा होता था जब गांव बस्ती में या नगरी में बारिश नहीं होती थी तो मेंढक और मेंढकी का विवाह संपन्न करा दो तो अच्छी बारिश हो जाती है, और इसका जीता जागता उदाहरण आप सब मेरे सामने है। जैसे ही हमने मेंढक और मेंढकी के फेरे लगवाए, 7 फेरे संपन्न होने के 5 मिनट बाद ग्राम गुरारिया हवेली में जोरदार बारिश होने लगी है। जे आप सामने खेतों में देख सकते हैं कितनी खुशी की लहर हम किसान भाइयों के चेहरे पर मुस्कान दिखी है, और मैं तो ये कहता हूँ कि सच्ची श्रद्धा और सच्चे आत्मा के साथ अगर आप कोई कार्य पूर्ण करना चाहते हैं तो उसमें ईश्वर खुद साक्षी बनकर आपका साथ देता है, आपको आशीर्वाद देता है। राजगढ़ के जिला अस्पताल में कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने दस्तक अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत आपको बता दें कि 6 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, बाद में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा उनका फॉलोअप होगा। कार्यक्रम में नरसिंहगढ़ महाराजा सिविल अस्पताल के बीएमओ डॉक्टर गौरव त्रिपाठी सहित विधायक राजवर्धन सिंह मौजूद रहे। रतलाम में लगातार हो रही गैस टंकी चोरियों के मामले में पुलिस ने एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है और उस गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने 10 टंकी जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर आगे की पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं इनकी निशानदेही पर अन्य लोगों की भी तलाश शुरू कर दी है। टंकियां चोरी हो रही है, जैसे चाय की दुकान होती है, काउंटर होते हैं, इनमें सूचना मिली थी गैस की टंकियां चोरी हो रही है। हमारी पुलिस ने मुकदमा कायम किया था, विवेचना में लिया था, फिर लगातार तलाश के दौरान कुछ संदिग्धों के नाम पता चले थे, उनको आज पकड़ा है। एक का नाम है विशाल, दूसरे का नाम है राहुल। इनसे पूछताछ से एक के पास से 4 टंकी और एक के पास से 6 टंकी बरामद हुई है। क्षेत्र में जो टंकी चोरियां हो रही थी वो उन पर अभी संभवतः नियंत्रण हो जाएगा, और इन कुछ लोगों के नाम बताए हैं उनकी भी तलाश जारी है। सर कहाँ के रहवासी है कुछ? ये दोनों बंजली के रहने वाले हैं और अन्य लोगों के भी संदिग्धों के नाम बताएं जिनको हम जल्दी जल्दी पकड़ेंगे और टंकियां जब्त करने की संभावना है। सर अभी कितनी टंकियां जब्त की है? अभी टोटल 10 है और संभावना है कि और बढ़ेगी। रतलाम जिले के जावरा में ग्राम मनिया खेड़ी में खेत के किनारे बीती रात मगरमच्छ निकलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि ग्रामीणों ने मगरमच्छ को पकड़ने की कोशिश की लेकिन ग्रामीण असफल रहे। बाद में ग्रामीणों ने वन विभाग को इस बात की सूचना दी। वहीं वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से मगरमच्छ को पकड़ लिया और बाद में गांधीनगर बांध में छोड़ दिया। तो जिसकी सूचना हमारे वन रक्षक श्री दशरथ कुमार वसनिया द्वारा हमें दी गई थी और हमारे द्वारा हमारे वरिष्ठ को बताया गया इस सूचना के बारे में, तो उनके द्वारा रतलाम से रेस्क्यू टीम और अन्य स्टाफ भेजा गया। वो और हमारे जावरा का स्टाफ मिलकर नाम इस रेस्क्यू कार्य के लगभग एग्जैक्ट तो नहीं पता पर लगभग 7 से 8 फीट का मगरमच्छ हमको लगा है।
जी दहशत का माहौल तो था लोगों में। कहाँ कहाँ इसका रेस्क्यू कर कहाँ छोड़ा गया इसे? इसको हमारे द्वारा पूरी टीम के द्वारा रेस्क्यू करके इसको गांधी सागर डैम में छोड़ा गया वापस। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान जारी करते हुए कहा कि कोरोना को लेकर प्रदेश में राहत की खबर है। रोजाना 70,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना कहीं भी आपको बता दें कि आएगा, यदि ज्यादा बढ़ता है तो उसको कुचल दिया जाएगा। वहीं कमलनाथ किसानों पर किए गए ट्वीट को लेकर उन्होंने कहा कि कमलनाथ ने तो लिखित में धोखा दिया है, किसानों से कर्ज माफी की बात कहने के बाद भी कर्ज माफी नहीं की। इस दौरान नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। किसानों की बात जब भी कमलनाथ जी करते हैं तो मुझे बहुत ही अजीब सा प्रतीत होता है। जिसने लिखित में धोखा किसान को दिया हो रिटर्न में 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ कर देंगे और एक का भी नहीं किया हो और वो किसानों की बात करें जो वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल से बाढ़ जवारी किसानों के लिए तब नहीं उतरे, सूखा पड़ा तो नहीं उतरे, वो किसानों की बात कर रहे हैं। आप हमसे सवाल करते हैं, वादाए अमल का हिसाब किसे दें? सवाल करने वाले खुद गलत हैं, जवाब किसे दें? प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक दिन के दौरे पर अशोकनगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट भवन में बैठक ली। इस दौरान राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने प्रभारी मंत्री के सामने अधिक बिजली बिल दिए जाने की शिकायत की, तो वहीं क्षेत्रीय विधायक ने भी विद्युत मंडल के गलत व्यवहार का मुद्दा उठाया। आपको बता दें कि मंत्री तोमर यहां पर अपने तय समय से 7 घंटे देरी से पहुंचे, जिससे कार्यकर्ता परेशान होते दिखे। बैतूल के घोड़ा डोंगरी से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक तांत्रिक ने एक दंपत्ति के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद दंपत्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला के पति की कुछ वर्षों पहले मौत हो गई थी, तब से वो तांत्रिक के संपर्क में थी, लेकिन 2020 में महिला ने रामलाल नामक युवक से शादी कर ली, जिस कारण से तांत्रिक नाराज था और गुस्साए तांत्रिक ने इस घटना को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने रात्रि कर्फ्यू की समय अवधि को भी कम किया है। सिनेमाघर से लेकर बाजार तक पूरी तरह खोल दिए गए हैं। वहीं अब कांग्रेस ने प्रदेश में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे और आपको बता दें चर्च सहित आस्था के सभी केंद्रों में 100 से अधिक लोगों को पूजा अर्चना की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता ने सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि आस्था के केंद्रों पर 100 से अधिक लोगों की प्रार्थना करने की अनुमति दी जानी चाहिए। हमारे मुल्क में और हमारे प्रदेश में कोरोना खत्म की ओर हो रहा है, कोरोना खात्मा की तरफ हो रहा है, कोरोना तकरीबन खत्म हो गया है। धीरे धीरे पूरे मार्केट खुल चुके हैं, दुकानें खुल चुकी हैं, माल खुल रहे हैं। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन ये, फिर धार्मिक स्थल क्यों नहीं? हम फिर मुख्यमंत्री से ये निवेदन करने आए कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च ये धार्मिक स्थल है, इनको भी खोला जाए और इनके अंदर भी 100 से ज्यादा लोगों को इबादत करने की, पूजा करने की, आराधना करने की इजाजत दी जाए। और ईद का पवित्र त्यौहार आ रहा है, मध्य प्रदेश की सभी ईदगाहों को नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में आप कई जगह देख लीजिए बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों की इजाजत दी गई है, तो फिर मस्जिदों में और मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम करने के लिए इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? आगरमालवा जिले के सुसनेर में बारिश न होने से लोग तरह तरह के टोटके अपना रहे हैं, जिसके चलते नगर की कंठाल नदी के पास शमशान घाट पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपको बता दें कि लकड़ी की झोपड़ी और घास की झोपड़ी बनाई और फिर झोपड़ी को जला दिया। लोगों का कहना है कि ऐसा करने से अच्छी बारिश होती है। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर गजेंद्र सिंह चंद्रावत समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
देश में अभी कोरोना का संकट टला नहीं है और राजा भोज एयरपोर्ट पर उड़ानों की संख्या बढ़ने लगी है। आलम यह है कि जुलाई माह में 17 दिनों में 240 उड़ानों का आवागमन हुआ है। इस दौरान करीब 26,000 से ज्यादा लोगों ने सफर किया। 12,000 से ज्यादा यात्री भोपाल आए हैं और करीब 13,000 से ज्यादा यात्रियों ने भोपाल से अन्य शहरों के लिए उड़ान भरी। आने वाले दिनों में आगरा, अहमदाबाद, पुणे के लिए भी उड़ानें शुरू हो जाएंगी, जिससे यात्रियों की संख्या में इजाफा देखा जा सकता है और कहीं ना कहीं संकट की ओर इशारा करता है। पन्ना के चांदमारी बस्ती में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दौरा किया, जहां उन्होंने मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और संवेदनाएं व्यक्त की। मंत्री ने इस दौरान परिजनों को 10,000 रुपए देने के साथ गांव में सारी सुविधा देने की बात कही। जानकारी के अनुसार आदिवासी निवासी कब्रिस्तान के कुएं से पानी भरकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। आपको बता दें कि चांदमारी में कुपोषण की वजह से बीते एक सप्ताह ये पहले दिन बच्चों की मौत हो गई थी और 14 बच्चे बीमार हो गए थे, जिसके बाद से यहां मंत्रियों और अधिकारियों का दौरा लगा रहता है। रोड, पानी, स्कूल की बाउंड्री, ये तो बहुत लंबी समस्या है। सबसे ज़्यादा परेशान हम लोग यही में हैं और सबसे ज़्यादा परेशानी आवे तो हाल के अधिकारी इनकी आवाज़ हुए मंत्री महोदय आ गए, ये तो कोई नहीं आउट रहे। जो हमारी जो गरीब जनता है, जब बिल्कुल मारी मारी भाग रही, कोई सुनाई नहीं है। अब आगे चल के जैसा हो गए मंत्री महोदय आए हैं, आश्वासन दे रहे हैं। बच्चों की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण इस बात को हम लोगों ने उठाया गाँव के लोगों के साथ मिलकर। यहाँ जब प्रशासन ने आके देखा, बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे, बहुत से लोगों को राशन नहीं मिलता, जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है, ना ही उनके बच्चों की समग्र आईडी बनी हुई है, ना ही जन्म प्रमाण पत्र बनी हुई है, और ना ही यहाँ रोड की सुविधा थी। और जो एकमात्र रोड था एम्बुलेंस वगैरह आने के लिए, तो वो शमशान घाट के द्वारा बंद करवा दिया गया था। अब मंत्री जी के माध्यम से कहा गया है कि अब इस रोड को हम बनवाएंगे, अब देखते हैं ये बनता है कि नहीं। और स्कूल की समस्याएँ थी, सबसे बड़ी यहाँ की मुख्य समस्या थी वो पानी की थी। तो पानी की समस्या अभी हमारे अनुसार अभी सही से समाधान नहीं हुआ है अभी। और ये हमें लगा कि ऐसे जगह पे जहाँ पे हमारे बिजली बच्चे एक्सपायर हुए हैं, हमें जाना चाहिए, और उसी के तहत हम आज यहाँ पे आए हैं। तो उसको उसके लिए हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए हमने अपने अधिकारियों को निर्देशित किया है। जो शासन की सुविधाएं उन्हें मिलनी चाहिए, उनमें से जो भी वंचित हैं, जिन कारणों से नहीं मिल पाई, उसके लिए मैंने कलेक्टर महोदय को भी बोला है। जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे पानी हो, चाहे रोड हो, चाहे राशन हो, जो हमें मिलना चाहिए, यदि उसमें कोई दिक्कत है, तो जो भी इसमें कोई भी व्यक्ति हो जिसने इसमें यदि लापरवाही की है, तो उसको दंडित करने के लिए भी हमने बोला है। और इसलिए मैं ये मानता हूँ, मैंने ये भी बोला है कि 10-15 दिन बाद फिर मैं यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो गरीब, क्योंकि अब तो हमें खुशी इस बात की है कि अभी पूरा एरिया पहले पंचायत में था, नगर पालिका सीमा के अंदर आ गया है। और इसलिए मैं नहीं चाहता कि हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा दूरस्थ क्षेत्र बचे जहाँ पे कोई सुविधाओं से वंचित हो। और इसलिए मैं भविष्य में इसको संज्ञान में लेते हुए जो भी हमसे बनेगा, हम करने का प्रयास करेंगे। शुजालपुर में आगामी त्योहारों के मद्देनजर प्रशासन ने शांति समिति की बैठक आयोजित की, लेकिन मीडिया और समाज के जिम्मेदार लोगों को इस बैठक की सूचना तक नहीं दी गई। बैठक के नाम पर कागजी खाना पूर्ति करते हुए पुलिस प्रशासन ने सिर्फ गिने चुने नेताओं को ही आमंत्रित किया। आपको बता दें कि आपराधिक घटनाओं पर मीडियाकर्मी पुलिस कार्यप्रणाली पर लगातार प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, शायद इसी कारण पुलिस ने मीडियाकर्मियों से दूरी बनाते हुए शांति समिति की बैठक ली। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास रविवार को विश्व प्रसिद्ध और आगर जिले के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी के दरबार में पहुंचे। मां बगलामुखी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के साथ रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। पूजा अर्चना करने के बाद रघुवर दास नलखेड़ा से इंदौर के लिए रवाना हुए। सागर के ढाना स्थित चाइम्स एविएशन एकेडमी का ट्रेनी विमान हादसे का शिकार होते होते रह गया। आपको बताया जा रहा है कि महिला ट्रेनी पायलट ने विमान टेक ऑफ करते वक्त विमान को रनवे से उतारा। गनीमत रही कि इस दौरान कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और महिला ट्रेनी पायलट इशिका शर्मा को सुरक्षित निकाल लिया गया।
होशंगाबाद में भाजपा की एक दिवसीय जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सजगता और सक्रियता का परिणाम है कि देश के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काफी हद तक रोका गया। इस दौरान पवैया ने कांग्रेसियों पर भी जमकर हमला बोला। वहीं कार्यक्रम के दौरान कोरोना काल में दिवंगत हुए पार्टी कार्यकर्ता और समाज सेवियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। अशोकनगर जिले के दौरे पर आए मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के सामने ही ऊर्जा व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई, जिसे देखते हुए मंत्री खुद हाथों में गैंती लेकर विद्युत पोल को दुरुस्त करने लगे। दरअसल मंत्री तोमर ग्राम मुंडरा गांव से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने खेत में एक तिरछे विद्युत पोल को देखा, जिसे देखने के बाद अपने विभाग की लापरवाही को दुरुस्त करने में जुट गए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।